प्रधानमंत्री आवास योजना नेताओं और अधिकारियों की कमाई का जरिया बन गया है। यही वजह है कि गांव-गांव में इस योजना के हितग्राही कलेक्टर से शिकायत करते नजर आ जाते हैं। ताजा मामला पथरिया विकासखंड के चिंदभोग पंचायत का है, जहां सरपंच सचिवों के द्वारा पात्र हितग्राहियों से इस योजना का लाभ दिलवाने के एवज में रिश्वत लेने की शिकायत सामने आई। हद तो उस वक्त हो गई जब गलत तरीके से एक हितग्राही के नाम से स्वीकृत आवास की राशि किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में जमा कर दी गई। परेशान ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। द्वारा सरपंच द्वारा कोई काम नहीं कराया जा रहा है। सरपंच नीनी भाई और उसके पुत्र राजकुमार द्वारा आवास के नाम से वसूली का एक धंधा बना लिया गया है। जो पैसा देता है उसके आवास को पास किया जाता है, जो पैसा नहीं देता है उसके आवास को काट दिया जाता है। ग्रामीण लोग पूरा परेशान है, यही भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए हैं। अगर निचले अधिकारी के शिकायत ऊपर करते हैं तो ऊपर का निर्देश देते कि कार्रवाई हो जाएगा, चेक करवा देंगे, चले जाएंगे। यहाँ तो अधिकारी आते हैं लेकिन लिपापोती करके चले जाते हैं। कोई वहाँ जनता को क्या उसका कमी है, क्या कारण, उसको बुलाते नहीं जनता को, बस अपना दो चार बैठ जाते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, कागजी कार्रवाई करके चले जाते हैं। गाँव के लोग का करी भाई, अब उखर में डंडा थोड़े मारी मांगे जाते, दे डरे हम दे पैसा ला कीजिए, देवे नहीं चेक, अब तो वो का करी जाए कोनो आदमी है। और सरपंच और उप सरपंच, सरपंच एक तो निस्तारी तालाब ला काबिज करे है, उप सरपंच एक तो बांधा। रोहित कश्यप ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रोहित, तमाम अव्यवस्थाएं, तमाम गड़बड़ी, फिर भी जिम्मेदार निराकरण के लिए तैयार नहीं? देखिए बता दूं कि महज जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है और इसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा बार बार जिला प्रशासन को की गई। इसके बाद भी जस का तस व्यवस्था है, ये अपने आप में सवाल तो है ही। अब वहाँ के ग्रामीणों की आस टूट चुकी है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी निराकरण नहीं होता, जिसके चलते वो लोग अब वृहद रूप से आंदोलन करने की चेतावनी भी दे चुके हैं अधिकारियों को। क्या कुछ कहना है आंदोलन की चेतावनी के बाद अधिकारियों को, क्या कुछ कहना है, कब तक समस्याओं का निराकरण हो पाएगा? देखिए कलेक्टर साहब से हमारी इस मामले में बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस तरीके की गड़बड़ी हो रही है और जांच में ऐसा पाया जाता है तो बिल्कुल दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब जिला प्रशासन के पास ही कई बार शिकायत पहुंच चुकी है तो आज तक आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये भी एक सवाल है। जिम्मेदार क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि? क्षेत्र के जनप्रतिनिधि साफ तौर पर ये कहते हुए बचते नजर आते हैं कि इसमें गांव वालों का मामला है, इस पर अपन को नहीं पड़ना है। तो भाई गांव वालों का ये मामला है, गांव वालों, ग्रामीणों ने ही तो जिम्मेदारी दी है, उन्हीं ने तो चुन के आपको विधानसभा और लोकसभा भेजा है। अगर उनकी ही समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो इनके चुने जाने का क्या फायदा, फिर किस लिए जनप्रतिनिधि बने? जी बिल्कुल, जनप्रतिनिधि भी अब जिस मामले में अगर उनको भी कहीं कुछ लाभ होता है, आर्थिक फायदे होता है, ऐसे मामलों में वो लोग भी हस्तक्षेप करते हैं। और जो ये जो मामला है गरीबों का मामला है, गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है, इसके बाद भी जनप्रतिनिधि पीछे हट रहे हैं, समझ से परे है। ये हैरत की बात है कि जनप्रतिनिधि आखिर कैसे अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकते हैं। तस्वीरें वाकई में सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि क्यों यहाँ पे हितग्राहियों को जो योजनाएं संचालित हो रही है उसका लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।